कुंडली कुंडली, अपनी कुंडली जान लो, पत्नी की कुंडली, माँ की कुंडली, दीदी की कुंडली, भाई की कुंडली, अपनी प्रेमिका की कुंडली। तुम कौन हो भाई? देखने में एकदम लाल लाल टमाटो की तरह दिख रहे हो। किसकी कुंडली देखनी है, माँ की अपनी या लड़की की? मेरी प्रेमिका की कुंडली देखिए। तुम्हें तो देखते ही मैं समझ गई थी, जरूर प्यार का मामला होगा। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि तुम लोग प्यार ही क्यों करते हो। पिछले 20 साल से कुंडली देख रही हूँ मैं, प्रेमी अपने प्रेमिका की कुंडली क्यों देखते हैं, ये बात मुझे आज तक समझ में ही नहीं आती है। बताने से मालूम नहीं पड़ेगा, प्यार करे तो मालूम पड़ेगा। प्यार करने वालों की शक्ल पे रौनक कैसे आती है तुम जानती हो क्या? सिर्फ एक बार उसकी शक्ल देख ले तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आंखें बंद करो, देखे क्या तकलीफ है। ये सब अंधविश्वास है, इसमें दिल का दर्द आंसू बन के बाहर निकलता है, दर्द महसूस होता है। हमें दर्द न हो तो हम मुस्कुराते हैं, अगर हमें किसी वजह से दिल से खुशी नहीं मिलती तो हम दिल को मना के बैठ जाते हैं। ठीक है, तुम्हारी प्रेमिका का क्या नाम है? उसका नाम प्रीति है। प्रीति उसका पूरा नाम है? ये। अरे तेरी तो पानी क्यों मारती हो तुम? अरे सॉरी सॉरी सॉरी। अरे तुम्हें पता भी है, तुम्हारे पिताजी रात में शराब पी के आते हैं और ना जाने कौन कौन सी कहानियां हमें सुनाते हैं। हमारी नींद भी पूरी नहीं हुई है, अब सोने तो दो। मैं तो आर्या समझ रही थी। अच्छा ये बताओ कहाँ है? अरे आज तो संडे है, आज तो
ये सब अपना अपना काम करके छुप रहे थे, तुम हो कौन? उस औरत ने चिल्लाया इसलिए तुम मेरे पीछे पड़ गए थे क्या? अगर मेरे से बैग लेनी है तो तुझमें हिम्मत होनी चाहिए, समझा क्या? ओए, इस मिट्टी के कावेरी नदी का पानी पी के यही बड़ा हुआ हूँ मैं, समझा क्या? जब कोई लड़की सड़क पे चलती है तो हम सीटी भी बजाते हैं, और उसी लड़की को अगर कोई तकलीफ हो तो उसे बचाने के लिए हम तुरंत सैनिक भी बन जाते हैं, सैनिक। कादल क्लाइमेक्स शॉट। सुनो मेरी प्यारी, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर मैं सो भी नहीं पाता। हमारे सच्चे प्यार को ये बड़े लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तुमसे दूर रहकर जीने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मैं भी तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा, मेरी ये जिंदगी बस तुम्हारे नाम पे है। हम ऐसा करते हैं, इस दुनिया को छोड़ के किसी दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। आई लव यू कनक। आई लव यू चीनी। Got it. ये तो सपना देख रहा था मैं। अबे उठना, क्या अबे उठना, उठ जा। अरे अरे ये तो टिंगू है, पूरे हाथ पैर मेरे सर पे रखकर सोता है। क्या हुआ बोलना? हमारी कदल फिल्म का क्लाइमेक्स नहीं बन रहा था, बताया था ना, वो फिक्स हो गया है और मैंने सपने में शूट भी कर दिया। आखिर में क्या हुआ ये बता। क्लाइमेक्स में हम दिखाते हैं वो दोनों अपना प्यार हासिल नहीं कर पाते और दोनों मरने की कसम खा लेते हैं। ये तुझे कैसा लग रहा है? दोनों साथ में मरेंगे? हाँ यार, यही सोचा था। सुनो, दोनों प्यार करेंगे ये कहानी सुपर है, लेकिन वो दोनों क्लाइमेक्स में एक साथ ना मिले तो गलत है। ये फिल्म हमारे जैसे लवर बॉयज बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, दोनों को मिलाना जरूरी है, समझे? हाँ समझ गया मैं। तेरी लवर्स तो चिंता करेगी यार, दोनों को कैसे भी मिला देना, प्रेमियों को दूर करना पाप होता है यार। सही कहा। हाँ? प्रेमियों को दूर करना पाप होता है, लेकिन शूटिंग में देर से गए तो डायरेक्टर से डांट पड़ेगी, ये तो महापाप है। आर्या, शूटिंग के लिए देर हो रही है, जल्दी से तैयार हो जाओ। सुनो, मुझे शूटिंग जाने के लिए देरी हो रही है, रात को दारू पीते वक्त बातें करेंगे। ठीक है यार। आर्या सर, लाइटिंग सारी रेडी है? ओके सर। डायरेक्टर को सेट पे बुला लो। डायरेक्टर? हाँ बुला लेता हूँ सर।
फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में आई हो? यस सर। कोई बात नहीं, हीरोइन बन जाओगी। लेकिन तुम्हें हीरोइन बनने के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट और कमिटमेंट करना होगा। एडजस्टमेंट और कमिटमेंट? सर, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ सर। यहाँ पहले सभी ऐसे ही बोलते हैं, ये सब वक्त की बात है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो ऐसी है, फिल्मों में काम करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सर, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ सर। कला की हम पूजा करते हैं सर, आप जो बोल रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है सर। अगर एक्टिंग करनी है तो ये सब तो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा हीरोइन बनने का कोई भी चांस नहीं है। क्या है ना कि डायरेक्टर और एक्टर में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो क्या सभी एक्ट्रेस ऐसे ही करती है सर? देखो, तुम्हारे सवाल का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है, ये सब अंडरस्टैंडिंग में होता है, जरा समझने की कोशिश करो। तो क्या सभी प्रोडक्शन हाउस में ऐसा ही चलता है सर? यहाँ पर पकड़े गए तो चोर है, नहीं पकड़े गए तो साधु। अच्छी तरह सोच लो। तुम्हारी फोटो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को सबको भेजता हूँ, तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है, फिर से सोच लो। आप सिर्फ मेरी फोटो भेजेंगे या मुझे भेजेंगे? What? नहीं सर, मैं एक्ट्रेस बनूंगी ऐसा खुद से वादा किया है, लेकिन इस तरह कभी नहीं सर, ये मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है सर। अगर मैंने गलत रास्ते पे चलकर काम किया तो ये मेरी कला का असम्मान होगा। सर, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, इंसान कभी इंसान की पूजा नहीं करता। शंकर भाई, राजकुमार भाई, विष्णु भाई, इनकी फोटो रखकर पूजा करते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि कला ही भगवान है और कला ही जीवन है। आप जैसे ही लोग इस देश में पैदा होने के बावजूद इस देश की संस्कृति को अपनी गंदी नजरों का शिकार बना देते हैं। थू, शर्म आनी चाहिए आपको। हे सर, शॉट रेडी है। जब मैं बात करता हूँ बीच में टांग नहीं अड़ाना, कितनी बार समझाना पड़ेगा? सर, वो शॉट रेडी बोल रहे थे। कॉमन सेंस नहीं है, नॉनसेंस। रेडी? रेडी ना? रेडी? एक्शन। स्माइल स्माइल। जूम। कट इट। ब्रेक। आर्या, क्या हुआ, क्या बात है? इस डायरेक्टर से बात करना ही बेकार है यार, ये कला की कीमत ही नहीं जानते। आर्या, तुम उसकी चिंता मत करो, हमारा लक्ष्य फिल्म बनाना है, तुम एक दिन जरूर फिल्म बनाओगे। हाँ यार, मैं अपनी फिल्म बना के रहूंगा, कादल फिल्म जल्दी शुरू करूंगा। हाँ, कॉफी मेरे लिए, जल्दी दे दो, मुझे ठंडी हो जाएगी। नहीं तो ये तुम्हारे लिए नहीं, आर्या के लिए। आर्या के लिए? उसके लिए स्पेशल क्यों? वो तो मेरी पसंद का टमाटर हीरो है। ओ, तो ऐसा है, मैं टमाटर नहीं हूँ। तुम तो सड़ेला टमाटर हो। मैं क्या सड़ा हुआ टमाटर हूँ क्या? आर्या, चाय पी लो। सॉरी, मैं चाय नहीं पीता। तो हॉर्लिक्स लेकर आऊं? नो थैंक्स, थोड़ा काम करना बाकी है प्लीज। ओके। सॉरी आर्या, तुम्हारी कादल स्टोरी अच्छी है, लेकिन तुम नए डायरेक्टर हो, तुम्हारे भरोसे पैसा इन्वेस्ट करना मुश्किल है, प्लीज तुम कोई और प्रोड्यूसर ट्राई करो। हेलो सर, आप प्रशांत सर हो? हाँ बोलो। नमस्ते सर, मैं आर्या। अच्छा, मैंने एक स्टोरी लिखी है कादल नाम की, वो स्टोरी बहुत ही अच्छी है सर, स्क्रिप्ट सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर, प्लीज एक बार आप चांस दीजिए, डायरेक्ट करता हूँ। नए हो? हाँ सर। नए डायरेक्टर के लिए यहाँ कोई चांस नहीं है सर, प्लीज सर सिर्फ एक बार स्टोरी सुन लीजिए। अरे मेरे पास इतना टाइम नहीं सुनने का।
हेलो हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार, मैं आर्या बोल रहा हूँ। सर, मैंने एक जबरदस्त स्टोरी बनाई है, कदल नाम है, लव स्टोरी है, बहुत ही कमाल की स्टोरी है सर। सिर्फ एक बार आपको कहानी सुनाने का मौका दीजिए। स्टोरी तुमने लिखी है? हाँ सर। नए डायरेक्टर को कोई भी हीरो डेट नहीं देता, फोन रखो। सर प्लीज सर, एक बार मौका दीजिए, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, फोन रखो। सर प्लीज। तुम उसे देख रही हो, ये उसे मालूम नहीं होना चाहिए। okay. तुम आंखों से एक्सप्रेशन देना, समझी? ऐसे ही है ये कैरेक्टर, जस्ट लाइक दैट। ओके सर। ओके, समझ गई ना? या, आई विल डू। आर्या सर, स्क्रिप्ट लेके आओ, मैडम को डायलॉग दो। सर इस स्क्रिप्ट में ना डायलॉग ठीक नहीं था, तो मैंने चेंज कर दिया। डायरेक्टर मैं हूँ या तुम हो, तू मुझे सिखाएगा? जैसे बोलता हूँ वैसे कर, समझाना? तूने तो बाहर बहुत कोशिश की, कोई प्रोड्यूसर मिला तुझे? हाँ, सिर्फ कहानी लिखने से कुछ नहीं होता, दिमाग दिमाग चाहिए, समझा? हेलो सर। हाँ? प्रोड्यूसर को मेरी स्टोरी चाहिए, दिमाग नहीं चाहिए। क्या बोला बे तू? मेरी कहानी अच्छी है, मुझे बोला, मुझे मत सिखाइए। मुझे बोलेगा तू? प्लीज सर। हाँ सिखाऊंगा, आपको दिमाग ही नहीं है। मैं डायरेक्टर हूँ। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। आप ही ज्यादा बोल रहे हो। चुप हो जाओ। खुद को होशियार समझता है क्या? आप ही। बैक अप। सर, एक्सक्यूज मी सर, ये क्या है आर्या, तुमने ऐसे क्यों बोला? अरे मैंने क्या गलत बोला, डायलॉग सही नहीं था, मैंने ठीक कर दिया, इससे क्या हो गया? जाने दो यार, टेंशन मत लो। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ आर्या, तुम्हारे जैसे अच्छे डायरेक्टर आए तो हमारी कला की कीमत होगी। तुम अपनी स्टोरी तैयार रखो, मैं अपने प्रोड्यूसर से बात करती हूँ। ओके ओके थैंक्स। आर्या, अविनाश उड़ीपी करके एक आदमी, उसको मैं जानता हूँ यार, मैंने तुम्हारे बारे में उससे बात की थी। मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ, तुम उसे अपनी कहानी सुनाना, वो मान जाएगा यार। यार यहाँ तो कोई भी प्रोड्यूसर कहानी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सुनो, पुराने प्रोड्यूसर को ढूंढने से अच्छा है कि तुम नए प्रोड्यूसर को ढूंढो, काम बन जाएगा। अरे यार, हम नया प्रोड्यूसर कहाँ से पैदा करेंगे? सुनो, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सीने मैगजीन के एक आदमी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उससे एक बार बात करता हूँ। हमारा जो प्लान है ना, वो उस मैगजीन में अच्छी तरह से पब्लिश कर देगा, उसे देखकर कोई ना कोई हमें जरूर सपोर्ट करेगा। मेरी बात मान। ए, तुम लोग क्या कहते हो? अरे जक्कास, सुपर आइडिया दिया है, बहुत अच्छा है यार। लेकिन ये सब होगा कैसे? मेरी बात सुनो यार, हम पूरे शहर में पब्लिसिटी करेंगे, फिर कैसे बात नहीं बनती, देखते हैं यार। है? मैं बात करता हूँ यार, तुम आगे की तैयारी करो। सुनो, वहाँ जाकर अपना काम खत्म करके जल्दी आ जाएंगे, तू समझ गया ना? अंकल अंकल, आप हेलमेट पहन लो। अरे छोड़ यार, वहाँ हवलदार है, वो फाइन मारेगा। अरे मैं कहता हूँ पहन लो। गाड़ी साइड में लो, साइड में लो, गाड़ी साइड में लो, साइड करो गाड़ी। मैडम, इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ। पता नहीं तुम्हें हेलमेट यूज करना जरूरी है? हम नहीं पहनेंगे, हम मिलिट्री वाले हैं। रूल्स तो रूल्स है, आपने रूल्स तोड़े हैं, इसका फाइन भरना होगा। नहीं, मैं नहीं पहनूंगा। क्यों नहीं पहनोगे? इसे पहनूंगा तो मेरी बीवी लड़ेगी मुझसे। लेकिन क्यों? क्या है कि मेरी खूबसूरती खराब हो जाएगी, इसलिए लड़ेगी मुझसे। तो फिर ठीक है, फाइन भर दो। कितना देना है? 500 रुपए। बस इतना ही है? ये लो 500 रुपया, सरकार के लिए 100 और तुम्हारे लिए 400, जाओ मजे करो। 400 रुपये? मिलिट्री क्यों 400 रुपये दे रहा है? ये तो खूबसूरत है। ए, तू हेलमेट पहन के क्या देख रहा है? अरे अगर हेलमेट निकालूगा तो तुम डर जाओगे। ए, तेरी तो? चलो भागो यहाँ से। टिंगू, तू दोबारा मेरे से मिल। क्या रे मिलिट्री, तुमने उसे 500 रुपये क्यों दिए? अब उसे पता चलेगा। अरे ये तो नकली नोट है। चीज़। सुनो रवि मामा, मुझसे प्यार के बारे में कुछ सवाल पूछ रहे थे। प्यार के बारे में मुझे क्या मालूम? अरे नहीं टिंगू, पहले तुम पी लो। अरे सर्व रोगों के लिए शराब ही दवा होती है। लाइफ फेलियर के लिए, लाइफ फेलियर के लिए, सब लोगों के लिए सिर्फ एक ही दवा है, दारू। भाई पियो, आप भी पियो। क्या बात है, किस खुशी में पार्टी शुरू कर दी? तुम्हारे बेटी से मैं प्यार करता हूँ इसलिए। ए छोटू। नहीं मामा, अपना आर्या को डायरेक्टर के लिए चांस मिला है, इसलिए वो पार्टी मना रहा है। आप चिंता मत करिए, आप भी पीजिए। अरे तो मेरे लिए बोतल कहाँ पर रखी है? ओ मिलिट्री मामा, आपके बिना हमने कभी पिया है क्या? बिल्कुल नहीं पिया। मैं सिर्फ इस पार्टी में ही नहीं, फिल्म में भी रहूंगा। हाँ क्या? मैं तो
फिल्म में एक्टिंग करूंगा, ये बोल रहा हूँ। मामा तुम फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते हो? शकल से तुम कटप्पा दिखते हो। क्या मैं एक्टिंग नहीं कर सकता? एक बोतल मेरे अंदर जाएगी तो कोई भी हीरो मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। एक चुटकी बजाई तो हाथी, दूसरी चुटकी बजाई तो शेर, तीसरी चुटकी बजाई तो मिलिट्री वाला रहूंगा। आज ज्यादा गुस्सा मत दिला वरना तुम लोग की ये सारी बियर की बोतल में एक झटके में पी जाऊंगा। ए छोटू, यहाँ के डायरेक्टर का कोई भी टेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं हीरो नहीं बन पाया। मैंने मिलिट्री ज्वाइन कर ली और गन उठा के धड़ाधड़ गोली चलाई और दुश्मनों को खत्म कर दिया। मिलिट्री, मुझे एक बात पूछनी है। अगर तुम एक अच्छी आर्टिस्ट हो तो मुझे शकीला जैसी एक्टिंग करके दिखाओ। ए छोटू, तू 1.5 फीट का है और तुझे शकीला चाहिए? तू तुम लोगों से दोस्ती करके गलत किया है। मामा। क्या यार, इतना टाइम हो गया अभी तक किसी का कॉल नहीं आया। सबर करो यार, हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा, तुम देखना। सुनो, अगर तुम लड़के हो तो लड़की का इंतजार तो करना पड़ेगा ना, ठीक बोला ना मैं? ओए तेरी तो फोन की रिंग बज रही है। अरे फोन बंद हो जाएगा, दे दे। रिसीव करो। रिसीव कर यार, रिसीव कर। हेलो सर, डायरेक्टर आर्या बोल रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ। मेरा नाम प्रशांत है, मुझे मूवी में एक्टिंग करनी है सर। ओके बताता हूँ। आर्या, अब बताइए किसका फोन था? अरे किसी स्ट्रगलर का फोन था यार। उठा उठा। हेलो सर, नमस्ते, मैं रम्या बोल रही हूँ सर। हाँ बोलिए। सर मैं बैंगलोर से कॉल कर रही हूँ। सर मैंने आपकी वहाँ एक एड देखी थी, मैं भी एक्टिंग करना चाहती हूँ सर, आपकी मूवी में मुझे भी कुछ चांस दीजिए ना। ठीक है बताता हूँ। कौन था आर्या? और कोई चांस मांग रहा है यार। हेलो, पकड़ो। हेलो हेलो आर्या, आर्या लगता है फोन कट गया। हेलो, किसी का तो फोन आ रहा है, रिसीव कर ले यार। हेलो। ये तो लड़की है। हेलो, हाय हाय, फिल्म वाले हैं सर? हाँ हाँ। सर मेरा नाम मेघना है, प्यार से लोग मुझे मैग्नेट कहते हैं, प्यारी मैग्नेट। कंटिन्यू मैडम, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। आपकी मूवी में आइटम सॉन्ग और नाइट सीन कुछ भी हो, मेरे पास इसका बहुत एक्सपीरियंस है सर। आपकी मूवी में कैसा भी कैरेक्टर हो मुझे चांस दीजिएगा सर। दे देंगे, उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए मैडम। एक्सपीरियंस मेरे पास फुल एक्सपीरियंस है सर, मैं दो दो हीरो को मेंटेन कर सकती हूँ सर। क्या, तुम दोनों को अकेले मेंटेन कर सकती हो? तुम सुपर हो यार। क्या है ना, इसके लिए ना तुम्हें बहुत ताकत की जरूरत पड़ सकती है, समझे? ताकत? मुझ में बहुत ताकत है सर, केला खा खा के मैं पूरी एप्पल की तरह फूल गई हूँ सर। क्या, एप्पल
की तरह भूल गई हो क्या? ये मेरे असिस्टेंट का नंबर है, ले लो। मेरा नंबर है 8 23 47 000 9। बाय बाय। तुमने अपना नंबर क्यों दिया? क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि मेरे पास है, समझे? क्या हुआ आर्या? कुछ नहीं यार, बचपन से ही फिल्मों का शौकीन हूँ। छोटी उम्र में ही पिताजी चल बसे। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना कुछ करने का मन होता था और जिंदगी बहुत ही कठिन लग रही थी। लेकिन फिल्मी दुनिया में आके सब ठीक हो गया। लेकिन अब बहुत टेंशन हो रही है यार, और समझ में नहीं आ रहा कि मेरे फ्यूचर का होगा क्या। सुनो आर्या, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारी इस मेहनत को एक न एक दिन रास्ता जरूर मिलेगी, तुम देख लेना। कौन सा रास्ता, ये तो बता। मैडम यहीं पर थी मैडम। वो नहीं पी पाएगी, मेरे से 100 रुपए की शर्त लगा। अच्छा चल ठीक है, मैं 100 रुपए की शर्त लगा रहा हूँ। क्या कह रहा है? वो मेरी दीदी है, पक्का पी लेगी, देख लेना। मुझे तो यकीन नहीं है। ओ? तुझे क्या लग रहा है, शर्त लगाऊं? हाँ लगा डाल, देख लेते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिक्स है, 200 रुपए शर्त लगी। क्या हुआ? लड़की को साड़ी पहनकर, माथे पर बिंदी लगाकर, हाथों में हाथ डालकर सर ऐसा बोलने वाली समझाए क्या? कब्बाली हूँ यार। चल निकाल पैसे। ये लो, इसने तो सच में पी लिया। मेरी दीदी पीने में माहिर है। क्या है बेटी, तुम अस्पताल से बिना बताए चली आई? तुम्हें थोड़ा सीरियसनेस नहीं है क्या? हम अपनी जान को हथेली पर रख के बिना खाए पिए चैन भी नहीं लिया, और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्या तुम इस बात को जानती हो? शिट, इसका कारण भी वो छोटू है, उसे आने दो। दीदी बता दो दीदी। कुछ नहीं होगा, तू चुप कर। सुनिए, हमें ही सिर्फ इसकी चिंता हो रही है, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर इसे कुछ हो जाता तब इसे पता चलता। माँ तुम क्यों चिंता करती हो इतना बेफालतू? नहीं बेटी, तुम मुझे ये बताओ, लड़कों की जैसे हरकत क्यों? लड़कों की तरह हिम्मत रखती हूं मैं, खुशी के साथ अपनी जिंदगी को जीऊंगी और आप लोगों को भी हंसाऊंगी मैं। प्लीज पापा, मैं मरना नहीं चाहती हूं, मुझे हर हाल में अपनी जिंदगी को खुशी से जीना है। मैं जीना चाहती हूँ पापा, मरना नहीं चाहती हूँ। दीदी दीदी, thank you.
दीदी तुम रो क्यों रही हो? वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे थे। कादल, कादल, दीदी अभी तो तुम रो रही थी लेकिन अब हंसने लगी हो। ये सब छोड़, मैं गाना गाना चाहती हूँ। तुम गाना गाओगी? हाँ मैं गाना गाऊंगी, मेरा दिल कहता है ये। प्लीज जल्दी से मेरे लिए वॉकमैन लेके आना। अब वॉकमैन चाहिए? तुम्हें समझना मुश्किल है। आहा, बहुत अच्छा, एकदम कमाल का है। दीदी इस कैसेट के साथ मेरी एक फोटो तो खींचो। क्यों? वो क्या है ना, बहुत दिन से मैं एक्टिंग करने का सपना देख रहा हूँ। मुझे एक चांस मिला ना तो मैं सुपर स्टार बन जाऊंगा। मुझे तो सिर्फ एक चांस की जरूरत है, फिर तुम्हें भी मुझसे ऑटोग्राफ लेना होगा। तुम जाके अपनी आईने में शक्ल देखो। एक्टिंग करेगा एक्टिंग। दीदी वो कौन है तुम जानती हो क्या? मैगजीन में जो एड देते हैं वो लोग फ्रॉड भी तो होते हैं ना दीदी। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता लेकिन अजीब सी खुशी मिल रही है मुझे। अपनी जिंदगी में मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाई, एटलीस्ट हासिल करने वालों के लिए मेरी तरफ से स्मॉल विशेज है ये। जो आगे बढ़ना चाहता है उसे आगे बढ़ना चाहिए, बस यही चाहती हूँ। दीदी हा? ये कैसेट मैं अभी कुरियर करके आता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना, बाय। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। ये हमें जल्दी तैयार करना है। ए आर्या, क्या रे सर पे क्या उठा कर लाया है तू? तुम्हारे नाम का कुरियर आया है। कुरियर मेरा? हाँ तेरी तो। ये क्या टू एड्रेस है, फ्रॉम एड्रेस है ही नहीं इसमें। खोल के तो देख एक बार। करना फोन पे। अब देखो बात ऐसी है कि हम मिलेंगे, हम शाम को मिलेंगे, अभी मैं शूट पे हूँ ना। ये तो कैसेट है। अच्छा किसी ने प्यार से भेज दिया होगा। ए जल्दी टेप रिकॉर्डर लाना। ठीक है लाता हूँ। हाय आर्या, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? कहीं पैदा होकर कहीं बड़े होते हैं हम, रिश्ते बनते भी हैं और रिश्ते टूट भी जाते हैं। तुम्हारी इस कोशिश के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी अनामिका। मेरी वफा पहचान है मेरी, तू है मेरा मैं हो गई तेरी। मेरी वफा पहचान है मेरी, तू है मेरा वजह मेरी खुशी की, तू ही दुआ जिंदगी की। तू ही वजह मेरी खुशी की, तू ही दुआ जिंदगी की। मेरी वफा पहचान है मेरी, भाई सुपर है, सुपर है यार, ये सॉन्ग सुपर है। सुनने में लग रहा है ये सॉन्ग धमाल कर देगा यार। ये गाना सुनने से तो मन एकदम धमाल मचा रहा है यार। सुनो ये सब उस मैगजीन में ऐड का कमाल है। सच बोल रहा है यार। मैंने कहा था ना इससे हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। इससे हमें क्या रास्ता मिलेगा भाई? इस सॉन्ग को हम किसी प्रोड्यूसर को सुनाएंगे तो इस सॉन्ग को सुनकर वो जरूर हमें फिल्म बनाने का मौका देगा। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। आने दो बताती हूँ। बेबी कुछ ज्यादा ही सोच में डूबी है। बेचारी बहुत डरी हुई लग रही है ना। हेलो। हाँ बोलो। तुम कहाँ हो? मैं ऑन द वे हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। जल्दी आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेबी का बाबा नहीं आए ना तो इसकी जान ही निकल जाएगी। कहाँ हो तुम?
जल्दी आओ राजकुमार, तुम्हारे लिए लड़की इंतजार कर रही है। ये देखो आ गया हीरो। चलो जल्दी बैठो। आने में इतनी देर? ए, क्या कर रही है? ए, तुम इतने छोटे हो, ये सब नहीं देखना चाहिए तुम्हें। ए, ऐसा सीन देखने में मुझे तो बहुत मजा आता है। अरे लड़की ने तो किस किया, पर लड़के ने तो किस किया ही नहीं। वो बाद में करेगा। डैडी फोन कर रहे हैं। डैड का फोन है ना, इधर दो। अरे ये फोन किसी काम का नहीं है। मेरा फोन, मैंने आज ही फोन का पूरा पैसा भरा था। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जियो का फोन दिलाता हूँ, इस फोन को भूल जाओ, सिर दर्द है। ए, फोन का क्या करें? उठाते हैं। Come on. ये कोई देख तो नहीं रहा? आहा। मुझे दे ना, चुमने तो दे। आइडिया, ये मोबाइल दीदी को देते हैं। चलो हाँ हाँ चलो चलो। दीदी 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 देखो ना। क्या ब्रो? ये मोबाइल हमें मिला है, एक कपल आया था, ये मोबाइल फेंक कर चला गया। फेंक के चले गए? दीदी किसी का फोन आ रहा है, पापा लिखा है, रुको मैं उठाता हूँ। हेलो कौन हो तुम और मेरी बेटी कहाँ है? अगर मेरी बेटी को कहीं ले जा रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने क्या किया मामा, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मामा, मैं तेरा मामा कब हुआ? ए, तू मुझे मिल, मैं तुझे मार डालूंगा। जाकर अपनी बेटी को बोलो ना, उसे तो संभाल नहीं पाए। ये फोन मुझे रस्ते में मिला है, ये फोन फेंक कर तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई है। शुक्र मनाओ मैं मोबाइल उठाकर बात कर रहा हूँ, फोन की बैटरी खत्म होने के पहले फोन लेकर जाओ, समझ में आया तुम्हें? दीदी उसके पिताजी थे। ए, इधर दे। फालतू में पंगा क्या लेना, इसको फेंक देती हूँ। दीदी, दीदी नहीं नहीं, उन लोगों की गलती की सजा इस मोबाइल को क्यों दे रही हो? दीदी ये फोन हम रख लें क्या? रख के क्या करेंगे, मुझे किसे फोन करना है? कॉल करने के लिए मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। नहीं है तो क्या, बना लो दीदी। बना देंगे। अच्छा आइडिया है, लेकिन किसे? आप फोन है तो कोई ना कोई बात करने वाला मिल ही जाएगा। दीदी वो उस मैगजीन वाले डायरेक्टर का नंबर है ना, उससे फोन करो, उससे यहाँ आने का कोई चांस ही नहीं है दीदी। उससे? हाँ। अरे नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे कुछ नहीं होगा दीदी, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम पहले बात तो करो। बात करूंगी, लेकिन उसका नंबर मेरे पास नहीं है। उसका नंबर मुझे याद है, इधर दो। फोन बज रहा है, लो दीदी। अरे तुम जल्दी से बात करो ना दीदी। ना दीदी अभी रिंग जा रही है। फोन ही नहीं रिसीव कर रहा है, दोबारा ट्राई करो ना। ये तो फोन ही नहीं उठा रहा है यार, शायद अभी बिजी होगा, तुम्हारा मिस कॉल देख के वो जरूर तुम्हें कॉल बैक करेगा। ठीक है बिजी होगा। दीदी चलो ना आइसक्रीम खा कर आते हैं। इतनी ठंड में मैं तो नहीं खाऊंगी, तुम लोग खा लो। ठीक है चलो हम खा कर आते चलो। हैं। अरे सुन तो, ये फोन तो लेता जा। वन सेकेंड मैम। अरे राम ये फोन क्यों कर रहा है मुझे, इन लोगों ने जबरदस्ती फोन करा के मुझे फंसा दिया, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। दादी दादी से बात कराती हूँ। दादी दादी मुझे फोन कर रहा है, पता नहीं कौन है ये, आप बात कर लो ना प्लीज। अच्छा फोन पर कौन है देखूं मैं। हेलो हेलो कौन है? हेलो कौन हो तुम जो मेरी लड़की को फोन कर परेशान कर रहे हो? तुम्हारी ना पुलिस में मैं कंप्लेन कर दूंगी, जितनी चर्बी है सब कम हो जाएगी, समझे? हेलो दादी, आप फोन करके मुझे अंदर ढालेंगी क्या? मैं तुम्हारी आरती उतारूं? हाँ मुझे मिस कॉल आया था, मैं काम में बिजी था, अब फ्री हो गया हूँ तो इसीलिए फोन किया। नहीं नहीं दादी आप बात करो, मुझे नहीं बात करनी। अच्छा तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है?
हमारी लड़की ने फोन किया था। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया। हमारी लड़की कौन? सॉरी बेटा। तो ये क्या दादी, उसे डांटने की बजाय आप मुझे डांट रही हो? अरे बेटा, प्यार में तो ये सब होता रहता है। अरे दादी आप भी। क्या लड़की है? अरे बाप रे, आप क्यों फोन कर रही है? हेलो, कौन हो आप? वो मैं हूँ। मैं कौन? मैं हूँ। इज दिस अनामिका? अनामिका कौन? वो जो वेल विश करने वाली। हाँ हाँ जी। हे, मैं तुम्हारे फोन का बहुत इंतजार कर रहा था। मेरे फोन का? हाँ जी, अब तो आपका नाम बताइए। मोनालिसा। मोनालिसा, वाओ, नाइस नेम। ओके थैंक यू, मैं बाद में कॉल करती हूँ आपको। बाय। छोटू, 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 दीदी क्या हुआ आपको? पता है, उसने मुझे कॉल किया था। किसने? अरे वो फिल्म वाला। फिल्म वाला? क्या बोला उसने आपको? वो तो मेरी आवाज सुनते ही बोला तुम ही वेलविश करने वाली अनामिका हो क्या? बार बार यही पूछ रहा था। अच्छा, और क्या पूछा? मेरा नाम पूछा था उसने। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, तो मैंने उससे बोल दिया मेरा नाम मोनालिसा है। मोनालिसा? हाँ, अचानक से कुछ समझ में नहीं आया तो यही नाम बता दिया मैंने। हाँ? अरे वो फिर से कॉल कर रहा है मुझे। फिर से फोन कर रहा है? कट कर दो। ए क्यों? ए तो चुप रह, अब तुम उसे फोन करो। क्या मैं? प्रेमी के साथ भागने के चक्कर में उसने फुल रिचार्ज करवाया है, उसका बैलेंस तो खत्म करना ही है। हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं कॉल करूं? नहीं बाबा, मैं कॉल नहीं करूंगी उसे। तुम कॉल करो दीदी, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, सब मैनेज कर लेंगे। बाप रे, डर लग रहा है मुझे बहुत। बियर पीते वक्त तो तुम्हें डर नहीं लगता और अब डर रही हो? फोन करो उसे। ठीक है, फोन करना जरूरी है क्या? ओ मेरी माँ, फोन तो लगाओ उसे, करो फोन करो ना दीदी। लगाने दे। हाय। हाय। हाँ बोलो। पहले जब फोन करने के लिए बोला तो कह रही थी मुझे तो डर लग रहा है, लड़कियाँ एक नंबर की ड्रामेबाज होती है। तुम भी लड़की ही हो, तुमसे होशियार रहना पड़ेगा मुझे। तुम अपना मुंह बंद करके रखो। थैंक्स। थैंक्स? वो किस लिए? जैसे आकाश है धरती को पानी देने के लिए, उसी तरह हर आदमी को आगे बढ़ाने के लिए एक औरत है। मुझे ऐसा लगता है वैसे ही तुम ही मेरी प्रेरणा हो। आपका नाम आर्या है क्या? हाँ जी। बहुत अच्छा है, मेरी माँ ने ही प्यार से ये नाम रखा है। आपकी माँ कहाँ है? वो तो अपने गांव में रहती है। दरअसल मेरे पिताजी बचपन में ही चल बसे थे। अरे क्या हो गया तुम्हें? I'm sorry. हे, कोई बात नहीं, बचपन से ही मेरी मम्मा, फ्रेंड्स, फिल्म और अब तुम ही मेरा सब कुछ हो। मैं? हाँ। ओके, मैं बाद में कॉल करती हूँ आपको। अरे यार, पता है मुझे अनामिका का फोन आया था। अनामिका? अरे जिसने कुरियर से कैसेट में सॉन्ग भेजा था। अच्छा वो? उसका नाम मोनालिसा है। ओहो, क्या बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ यार। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. यार मुझे एक बार ना मोना से मिलना है। क्या तुम मिलना चाहते हो? हाँ यार, उससे एक बार बात करूँ ना तो उसी से बात करने का मन करता है। टाइम कैसे निकलता है समझ में ही नहीं आता। मैं क्या बोल रहा हूँ ये मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। प्यार हो गया है क्या? पता नहीं यार। अरे यार वो कौन है, क्या करती है, कुछ भी तो मालूम नहीं है तुझे। प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। नो नो नो, अब जो भी होगा ना वो सब आगे देख लेंगे। हाय मोना। हाय। मैंने रात को डिस्टर्ब तो नहीं किया था ना? नहीं, मैं सो रही थी। आई एम सॉरी। क्यों, पार्टी का मजा ले रहे थे? वो नींद नहीं आ रही थी ना इसलिए। नींद नहीं आती है तो क्या शराब और पार्टी में रात बिताते हैं क्या? हाँ वो थोड़ी सी खुशी में। खुशी किस बात की? वो तुम्हें मिलने की खुशी में। मैं समझी नहीं। हाँ मोना, मेरी जिंदगी भटक गई थी, रास्ता नहीं मिल रहा था। मुझे रास्ता दिखाने वाली परी तुम ही हो। तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, ये सब पूछने के लिए डर रहा था मैं। लेकिन ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। तुम अगर बात करोगी ना तो मेरी मम्मा भी तुमसे बात करेगी। मोना, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। क्या हम दोनों मिल सकते हैं क्या? मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। प्लीज मोना, मना मत करना। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें कल सुबह कॉल करती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। ओके बाय। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा।
दीदी, दीदी क्या हुआ? दीदी, दीदी, माँ, माँ जल्दी आओ, दीदी, दीदी क्या हुआ? क्या हुआ? सॉरी सर, ब्लड की जरूरत है, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैडम, यस, अर्जेंट ओ पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। सर, ओ पॉजिटिव ब्लड हमारे पास स्टॉक में नहीं है। मैडम, मैं बैंगलोर से आया हूँ, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। सर, इसमें ओ पॉजिटिव ब्लड डोनर का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप बात कर लीजिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ। हेलो, रवि जी हैं क्या? यस सर, ओ पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। सॉरी सर, मैं काम में बिजी हूँ, शाम को फोन कीजिएगा। हेलो सर, आप कुमार हो? हाँ बोलिए। सर, ओ पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। सॉरी सर, मैं लास्ट वीक ब्लड डोनेट किया था। हेलो, हेलो, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ सर। सर, ओ पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है सर। सॉरी सर, मेरा मूड ठीक नहीं है, आप किसी और से बात कीजिए ना। प्लीज सर, मैं बैंगलोर से आया और मैं किसी को नहीं जानता, प्लीज मेरी मदद करिए। सर, आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए आप। सर, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है सर। सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए सर, प्लीज सर, सर मना मत करिए, मना मत करिए सर। ठीक है सर, किस हॉस्पिटल में है? आदर्श हॉस्पिटल सर। आता हूँ मैं अभी। थैंक यू सर, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं भाई साहब, इसमें एहसान की क्या बात है, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है? सर, वो प्रॉब्लम ये है सर कि मैंने अपने बेटे को बड़े प्यार से पाला है। हाँ। लेकिन उसे कैंसर है। कैंसर? सारे पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़के ढूंढेंगे, लेकिन मैं अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अस्पताल के चक्कर लगाता हूँ। सर आप बिल्कुल मत रोइए, ऊपर वाला सब देख लेगा। सर, क्या मैं एक बार पेशेंट से मिल सकता हूँ? जरूर सर, लास्ट रूम में है, जाके देखिए। थैंक यू सर, बाय। बाय सर। आप रेस्ट करिए, ठीक है? सुनो, इन्होंने तुम्हें सही समय पे अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाई। हाय, आई एम आर्या। आई हेट यू। तुम मुझसे कुछ बात करना चाह रही थी, अब चुप बैठी हो। आर्या, वो एक्चुअली बहुत दिन से मुझे तुम्हें कुछ बोलना था। आई लव यू। ए, ये तुम क्या बोल रही हो? आई रियली लव यू। आई एम सॉरी,
मैं ऑलरेडी किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। तुम मजाक कर रहे हो? मैं अपने दिलो जान से उस लड़की से प्यार करता हूँ और उसका नाम मोनालिसा है। वो कौन है, कहाँ रहती है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बिना मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। मेरी वीरान सी जिंदगी में वो एक परी बन कर आई है। अगर वो मुझे ना मिल पाई तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए वीरान ही रहेगी। आई एम सॉरी। इट्स ओके, सबको तो उसका प्यार नहीं मिल सकता, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं हॉस्टल से स्पेशली यहाँ आई थी, अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं वापस चली जाऊंगी। ऑल द बेस्ट, तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका जल्दी मिले। बाय। हाय मोना। हाय आर्या, आई एम सॉरी, सुबह थोड़ा प्रॉब्लम थी इसीलिए फोन नहीं उठा पाई तुम्हारा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मिलने के लिए कभी जबरदस्ती नहीं करूंगा। प्लीज मेरा कॉल अवॉइड मत करना। आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्चुअली मैं बात नहीं कर पाई तुमसे। अब हम मिलेंगे क्या? सच में? हाँ। कब मिलोगी? अगले सोमवार को। अगले सोमवार को? लेकिन मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? हाँ, मैं वाइट ड्रेस पहन के आऊंगी और तुम ब्लैक ड्रेस पहन के आना। ओके मोना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय। से मिलना चाहती हो? हमारी जिंदगी में ना जाने कितने लोग मिलते हैं, वो कौन है, कहाँ रहते हैं, हम उनके बारे में ये सब कुछ नहीं जानते हैं। ठीक उसी तरह सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ मैं उस लड़के से। उससे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चल गया तो? मैं उससे मिली हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिला। अच्छा, तो तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उससे मिलने के लिए जा रहे हो? ऊपर वाला तुम्हारी मदद करे। लेकिन एक और बात, तुम्हारा प्यार अगर सक्सेस नहीं हुआ तो तुम जाकर दारू की दुकान पर मत बैठ जाना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम सीधे घर चले जाना। कल से मैं इस घर में नहीं रहूंगा। थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मिलिट्री मामा।
मोना 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 आई लव यू मोना व्हाट तुमसे मिलकर फ्रेंड्स बना के घूमने के बाद ये नाटक करके मुझे नहीं लगता फायदा होगा और ये सब मुझे पसंद भी नहीं है पता नहीं ये सब मैं तुमसे कैसे कहूँ बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन लव विथ यू आई लव यू मोना हेलो एक्सक्यूज मी हु आर यू मोना मैं हूँ मोना आर्या हेलो मेरा नाम मोना नहीं है समझ में नहीं आ रहा तुम्हें मेरा नाम श्रेया है मोना तुम मजाक कर रही हो मैं जानता हूँ तुम हैंडीकैप हो इसलिए ऐसी बात कर रही हो ना मैं समझ गया हेलो मिस्टर एक ही बात कितनी बार समझानी होगी मेरा नाम मोना नहीं श्रेया है तो फिर ये वाइट ड्रेस क्यों मैं वाइट ड्रेस नहीं पहन सकती वाइट ड्रेस पहनने वाली सारी लड़कियां मोना होती है आई एम सॉरी जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मैं मिला नहीं और आज उसने मिलने की प्रॉमिस की थी और वो वाइट ड्रेस पहन के आएगी ऐसा कहा था इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इट्स ओके भाई असल में क्या है प्यार करने वाले लोग दिमाग से एकदम पागल होते हैं लेकिन आपसे मिलने के बाद ऐसा लगा सभी प्यार करने वाले एक जैसे नहीं होते हैं मैं भी किसी लड़के से बहुत प्यार करती थी कुछ दिन पहले ही मेरा बर्थडे था और बर्थडे के दिन स्पेशल गिफ्ट देने के नाम पर मुझे बाइक पर बहुत दूर लेकर गया लेकिन रास्ते में ही बाइक का एक्सीडेंट हो गया और तब से मैं अपाहिज हो गई अपाहिज होने के बाद वो मुझसे मिलने तक नहीं आया लेकिन आज आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है बिना किसी को देखे उससे इतना प्यार कर रहे हैं मुझे अपाहिज देखकर भी आपने मुझसे प्यार का इजहार किया और मुझे आई लव यू भी कहा सच में हैट्स ऑफ टू यू वो आपको जरूर मिलेगी ऑल द बेस्ट थैंक्स मोना हेलो कहाँ हो मोना सुबह समय तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ हेलो आर्या I'm sorry आर्या मैं नहीं आ पाई तुमसे मिलने मुझे माफ कर दो तुम क्या हुआ मोना हेलो हेलो शे सब यही खत्म कर दो दीदी प्लीज
इसे आगे लेकर बच जाओ। मैं खत्म नहीं कर सकती, मेरी आंखें मना करे फिर भी मेरा दिल उसे जी जान से चाहता है। अब वो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी में पहली बार प्यार आया है और मैं उसे हासिल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं प्रिया? पता है तुम्हें, जिंदगी में मौत से ज्यादा बीमारी दुख देती है। दीदी अब क्या करोगी तुम? ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया, अब ये भी छीनना चाहता है क्या? मैं उससे चाह के भी हासिल नहीं कर सकती, मैं उसे खोना नहीं चाहती प्रिया। उसके बिना मैं पल पल मर रही हूँ। क्या यार इतनी देर से पी रहे हो, प्यार में धोखा खा गया क्या? लव नहीं, मैं खुद फेलियर हूँ। क्या तुम फेलियर हो गए हो? मैं समझा नहीं। लड़की से प्यार हो जाए तो दिल खुश हो जाता है, और फ्रेंड्स के साथ पिया तो पीने को मना करते हैं। लड़की अगर अपनी मर्जी से छोड़ के चली जाए तो इसमें कोई क्या कर सकता है, तू ही बता। तेरी कहानी क्या है यार?
आर्या, ओ आर्या, तू उसके लिए इतना क्यों दुखी हो रहा है यार? मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तू प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये लड़कियों का सब ऐसा ही है यार, प्यार में धोखा देना इनकी फितरत ही होती है और उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने दे इन लड़कियों को, ये सब ऐसी ही होती हैं। देखने पर हंसती रहेंगी, फिर हंस के रुला देती हैं। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। तुम इन लड़कियों के बारे में सोचना बंद करो, चला। सुनिए, मैं इसे अकेले बैंगलोर भेजने के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज पापा, मैं वहां रहकर हॉस्पिटल चली जाऊंगी। तुम वहां अकेले कैसे रहोगी? प्लीज पापा, मान जाइए ना, वहां पर हमारा फ्लैट भी है ना, मैं वहीं पर रह लूंगी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। प्लीज पापा, एक बार प्लीज पापा, मान जाइए ना। ठीक है बेटी, तुम्हारी मर्जी, लेकिन सावधान रहना। थैंक्स पापा, थैंक यू वेरी मच। सुनो, आप उसका हाल जानकर भी उसे अकेले जाने क्यों दे रहे हैं? तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा था? उसे अपनी जिंदगी जीने दो, भगवान ही जानते हैं किस्मत ने क्या लिखा है, उसे जीने दो। दीदी, क्या है प्रिया? मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगी दीदी, मैं भी साथ चलूंगी आपके। जाने दो प्रिया, दो ही दिन की तो बात है, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी। तुमसे दूर रहकर मैं अपने सच्चे प्यार को दूर से देखूंगी और अपने मन में उसकी मूरत बसाकर वहां से वापस आ जाऊंगी प्रिया, क्योंकि मेरा प्यार पवित्र है। दीदी प्रिया। अरे जल्दी आना यार, एक केक काटने में कितनी देर करेगा? अरे मैं आ रहा हूं। जल्दी आ यार, हम इंतजार कर रहे हैं। आर्या, हैप्पी बर्थडे आर्या। सॉरी, मैंने कहा था कि मैं तुमसे मिलूंगी, लेकिन मैं नहीं आ पाई। अपने प्यार को अपनी आंखों से देख रही थी मैं, उस वक्त मर के जिंदा हुई थी मैं। आकर तुम्हें अपने गले से लगाकर तुम्हें किस करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे सामने आने के लिए मुझे वक्त चाहिए, और सही वक्त आने पर मैं खुद तुमसे मिलने आ जाऊंगी, और वो समय कब आएगा ये मैं खुद नहीं जानती। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे आर्या, तुम्हारी अनामिका मोनालिसा। किसकी चिट्ठी है भाई? ये मोनालिसा ने लिखा है भाई, और उसने मुझे बर्थडे विश किया है। क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुझे उसके बारे में बताया था ना, वो सबकी तरह नहीं है, वो मेरे लिए समथिंग स्पेशल है भाई। हाय। हैप्पी बर्थडे आर्या। थैंक्स। आप याद नहीं तुम्हें, उस दिन मौत से लड़ रही थी और तुमने अपना खून देकर मेरी जान बचाई थी। ओ हाय, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। अरे हाँ, आज मेरा बर्थडे, आपको कैसे पता चला? उस दिन तुमने ब्लड डोनेट किया था ना, वहाँ से मैंने तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ जान ली। ओ ओके, मीट माय फ्रेंड करण। हाय। हाय। ओके, तो केक काटा जाए? Thank you.
क्या बात है आर्या, आज तुम बहुत खुश हो। कुछ नहीं भूमि, मेरी मोना बहुत जल्दी मेरी जिंदगी में आएगी। मोना, तुम उससे प्यार करते हो? वाव, बहुत खुश नसीब होगी वो। देखने में कैसी है वो? उसकी सुंदरता क्या बयां करूं, सूरज की तरह ब्राइट होकर चांद की तरह रोशनी देती है। ओह, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? बताओ ना आर्या, मैं उससे मिल सकती हूँ, तुम मिलाओगे क्या? सिर्फ ये दिल ही उससे मिला है। तुम उसे बिना देखे प्यार करते हो? अगर उसने धोखा दे दिया तो? शायद मैं गलत हो सकता हूँ भूमि, लेकिन मुझे उसके प्यार पे पूरा यकीन है। अगर उसका प्यार धोखा है ना, तो इस धरती पे कहीं प्यार ही नहीं है। जिस तरह मेरी माँ ने मुझे पैदा किया ये हकीकत है, उस तरह उसका प्यार भी उतना ही हकीकत है, और वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। हाय अंजू। हाय मोना, कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत खुश हूँ। क्या बात है, तुमने बहुत दिन बाद फोन किया? मैं पर्सनली तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ अंजू। पर्सनल? क्या बात है? ये बात फोन पे नहीं कर सकती ना। तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं मुंबई में हूँ। क्यों, क्या हुआ? प्लीज, बेंगलोर आओगी क्या तुम? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे आने के लिए इंतजार कर रही हूँ। ओके डियर, बाय। बहुत बहुत शुक्रिया। बाद हम मिल रहे हैं, आओ ना अंदर। बैठो। थैंक यू। ये घर बहुत सुंदर है। थैंक यू। आखिर बात क्या है, तुमने मुझे अर्जेंट बुलाया? वो क्या लव का मैटर है? हाँ यार, मैं एक लड़के से प्यार करने लगी हूँ। तुम प्यार करती हो? व्हाट अ सरप्राइज। उसका नाम क्या है? आर्या। आर्या, व्हाट अ नाइस नेम। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्यों करते हैं इतना प्यार। अंजू, तुम उससे शादी कर लो, वो बहुत अच्छा लड़का है यार। व्हाट, मैं उससे शादी करूँ? तुम जिससे प्यार करती हो उसे मैं शादी नहीं कर सकती। वो जिससे प्यार करता है वो लड़की मैं नहीं हूं, वो लड़की है मोनालिसा। मोनालिसा? वो कौन है? वो भी मैं ही हूं। तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्या हुआ था, मुझे साफ साफ बताओ। ओह माय गॉड, तुमने इसे गेम समझ लिया है क्या? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। वो अपनी माँ को आज भी बहुत प्यार करता है, उसकी जिंदगी में खुशी रहनी चाहिए। प्लीज अंजलि, प्लीज तुम मेरी मदद करो। वो बहुत अच्छा लड़का है अंजलि, मैं उसका प्यार जिंदा रखना चाहती हूँ। तुम मोनालिसा बनके उसके प्यार को कामयाब करो ना। Are you gone mad? Please, मना मत करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो मर जाएगा। लेकिन वो मुझे मानेगा क्या? जरूर मानेगा। मोनालिसा नाम की कोई भी लड़की उससे मिलेगी तो वो यकीन कर लेगा। उसका प्यार किसी लड़की से नहीं है, उसका प्यार तो एक नाम से है।
ओके, अभी मुझे क्या करना है ये बताओ। थैंक यू सो मच यार, आज से तुम ही मोनालिसा हो। वो है बेबी आर्या। वाओ सुपर, मेरे लिए ओके। एक मिनट मैं उसे कॉल करती हूँ। हेलो, हाय मोना। हाय आर्या, क्या बात है, वर्कआउट कर रहे हो क्या? वर्कआउट? मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला? गेस कर रही हो क्या? मैं तुम्हें देख रही हूँ आर्या। क्या तुम मुझे देख रही हो? लेकिन तुम हो कहाँ मोना, प्लीज बताओ। हे, इतनी जल्दी एक्साइटेड मत हो। मैं तुमसे कल मिलूंगी। हाँ सच में? हाँ कल मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। ठीक है, श्योर, ओके, प्रॉमिस ना? प्रॉमिस। बाय अंजू। मैं जाकर उससे मिल के आती हूँ। क्या हुआ यार? यार मेरी प्रेमिका कल मुझसे मिलने वाली है। सच बोल रहा है तू? लेकिन मुझे लगता है वो कहीं से मुझे देख रही है। क्या बात कर रहा है? हाँ यार लगता है वो हमें पहचानने वाली होगी। हाय। हाय। ए, ये वही लड़की है क्या? ए, कोई चांस नहीं। एक बार फोन लगा के देखना। अरे आर्या। हेलो आर्या, क्या हो गया? कुछ नहीं, ऐसे ही फोन किया था, मैं बाद में बात करता हूँ। आर्या शाम को पार्टी ना, तुम फूल देना और यहाँ बाटली देगी। ठीक है यार। क्या बात है, आज पार्टी है क्या? भूमि एक बात बताओ तुम्हें, कल मेरी प्रेमिका मुझसे मिलने आ रही है। वाओ रियली, कांग्रेट्स। थैंक यू। इस बात के लिए तो तुम्हें ट्रीट देनी पड़ेगी। ठीक है, क्या चाहिए? फुल बाटली दे देना। पानी पूरी। ओके। लेकिन वो तुम्हारी प्रेमिका को देने वाला गिफ्ट मेरी तरफ से होना चाहिए। ठीक है। अच्छा अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं चलती हूँ अभी। बाय बाय बाय। अबे क्या कर रहा टिंगू, ये देखिए मेरी जैसी बॉडी चाहिए ना, तो तुझे हैवी उठाना पड़ेगा। ऐसे उठा, ऐसे तब कट्स बनेंगे बेटा। बहुत अच्छी पार्टी दी मुझे, लेकिन अगर तुम्हारी प्रेमिका मिल गई तो तुम मुझे भूल जाओगे ना? ए, ऐसी कोई बात नहीं है। सच में तुम मुझे नहीं भूलोगे? कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन हमारे अड्डे पे आके बैग वापस लेके गया था भाई। यही है क्या वो? हाँ जोड़ी पिसे है, वो यही है। Oh!
पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से। हेलो प्रिया, कैसे हो तुम? मैं अच्छी हूँ दीदी, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। दीदी, आपने अपने प्यार के बारे में उसे बताया क्या? मैंने उसे अपने प्यार के बारे में नहीं बताया, पर उसकी प्रेमिका मिलेगी ये जरूर बता दिया। दीदी, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, वापस आ जाओ ना। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ प्रिया, मैं जल्दी ही आऊंगी। ठीक है दीदी, अपना ध्यान रखना। ओके प्रिया, बाय। अपना ध्यान रखना। हाँ दीदी, बाय। बाय। हाय अंजू। हाँ, हे, कैसी है मेरी ड्रेस? वाओ, सुपर्ब ड्रेस है ये। ये लो, ये गिफ्ट तुम उसे दे देना। अंजू प्लीज उसे मत खोलना, ये उसे देने वाली मेरी पहली गिफ्ट है, सरप्राइज ही रहने दो। तुम उससे बहुत प्यार करती हो और उसे खोना नहीं चाहती हो। ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में पहली बार प्यार हुआ था, लेकिन मैं कितनी बदनसीब हूँ, अपने प्यार को पाकर भी उसे अपने आप से दूर कर रही हूँ मैं, इसीलिए अपने आंसू नहीं रोक पाई मैं। कुछ फूलों को भगवान की याद में चढ़ाया जाता है और दुनिया में कुछ फूल शमशान में चढ़ाए जाते हैं, वैसे ही मेरा प्यार भी है। मैं उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारूं या उसके बिना मर जाऊं, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, इसीलिए मैंने अपने प्यार की निशानी इसमें छिपा दी है। तुम ज्यादा दुखी मत हो ना, मैं गिफ्ट ओपन नहीं करूंगी। I'm sorry यार, मैंने बहुत कुछ बोल दिया। वहां जाके कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल करना, उससे मिलने के बाद अपना नंबर उसे दे देना और मेरा नंबर डिलीट कर देना तुम। ऑल द बेस्ट। I'm sorry। हाय। क्या बात है, आज लड़की से मिलने के लिए तुम पूरे तैयार होके आए हो? जी हाँ, कैसा लग रहा हूँ मैं? वाओ, सुपर्ब लग रहे हो। थैंक यू। तुम जिस लड़की को प्रपोज करोगे ना, मैं एक बार उससे मिलना जरूर चाहूंगी। मैंने कभी किसी को प्रपोज करते हुए देखा नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें एक बार प्रपोज करते हुए देखना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई ही नहीं, मुझे किसी ने प्रपोज ही नहीं किया आज तक। मैं हमेशा तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा। तुम हंसोगी
तो मैं भी हंसूंगा, और जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं तुम्हें चाहता रहूंगा। आई लव यू। क्या हुआ भूमि? कुछ नहीं, थोड़ा इमोशनल हो गई थी। आर्या, तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका एक दिन जरूर मिलेगी। उसने तुम्हें पाने के लिए बहुत सारे पुण्य किए होंगे। तुम कहीं भी रहोगे हमेशा खुश रहोगे। ये लो, ऑल द बेस्ट। मुझे देर हो रही है, मेरी मोना मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ। बाय। डॉक्टर अभी कैसी है? डोंट वरी, शी इज ऑल राइट, आउट ऑफ डेंजर। आप इसे घर ले जा सकते हैं, लेकिन इसका अच्छी तरह से ध्यान रखना। तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं। डॉक्टर ने कुछ कहा क्या? यही कहा होगा कि मैं जिंदा नहीं बचूंगी। डॉक्टर भी झूठ बोलती है। तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका से मिलाए बिना मैं कैसे मर सकती हूँ? आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम आज उससे नहीं मिल पाए। अरे कोई बात नहीं, जाने दो भूमि। बट नेक्स्ट टाइम तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका पक्का मिल जाएगी। ठीक है, तो अब घर चले। अब संभल के। ए, सॉरी यार, मेरी वजह से तुम उससे नहीं मिल पाई। अंजू, तुम उससे कॉल करके बात करो ना। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है इसलिए वो चिंता कर रहा होगा। अंजू, अरे नहीं नहीं,
मैं उससे कैसे बात करूंगी, तुम ही उससे बात करो। नहीं यार, अगर मैं इस हालत में उससे बात करूंगी तो उसे जरूर शक हो जाएगा। तुम तो मेरी तरह बात करती हो यार, बात करो ना तुम। नहीं नहीं प्लीज बात करो। मैं उससे बात नहीं करूंगी। प्लीज नहीं, मैं डायल करके देती हूँ, तुम बात करो। नहीं नहीं ना, ये लो बात करो। हाय मोना, सॉरी कल मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? प्लीज बात करो ना मोना, तुम इस तरह से चुप मत रहो प्लीज, मेरी तो जान ही निकल जाएगी। कुछ तो बोलो ना मोना प्लीज, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। हाय बोलो मोना, तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले रही है, तुम मुझसे नाराज हो ना? नाराज? ऐसी बात नहीं है, मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता तुम मेरी मोना हो। आर यू मोना? बात करो। हाँ आर्या मैं हूँ। नहीं तुम मेरी मोना नहीं हो, मैं सिर्फ मोना से ही बात करना चाहता हूँ, उसे फोन दो ना प्लीज। बात करो आर्या, मैं ही मोना हूँ, बात करो आर्या। भले ही मेरी आंखों ने मेरी मोना को ना देखा हो, लेकिन मेरे दिल ने उसे देख लिया है। भले तुम मुझे धोखा दे दो, लेकिन मेरे दिल को तुम कभी भी धोखा नहीं दे सकती। प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी मोना को फोन दो ना। हेलो हेलो, बात करो ना मोना। मोना तुमने फोन क्यों कट कर दिया? मेरी बात सुनो, हम उसे किसी भी हालत में धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारे मम्मी पापा भी आज तक मेरी आवाज पहचान नहीं पाए, लेकिन ये लड़का तुम्हें बिना देखे तुम्हारी आवाज पहचानता है। दैट्स इज लव। तुम उससे दूर हो जाओ, लेकिन वो तुमसे दूर नहीं हो पाएगा। चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, उसकी जिंदगी में सिर्फ तुम ही मोनालिसा बन सकती हो। या तो तुम हमेशा उसकी जिंदगी में मोनालिसा बनी रहो, नहीं तो जिंदगी भर के लिए मोनालिसा को मार डालो। मैं उसकी जिंदगी में नहीं जा सकती, उसकी जिंदगी में जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती उसकी। तुम क्या बोल रही हो? उससे दूर जाते जाते मैं उसके और करीब आ गई हूँ। नहीं तो जिंदगी भर के लिए मोनालिसा को मार डालो। इस शॉट को एक क्लोज में रखेंगे, कैसा है? अच्छा तो लगेगा ना? थोड़ा चेंज करो तो अच्छा लगेगा ना, थोड़ा चेंज करो अच्छा लगेगा। और चेंज ओवर करने के लिए ये सब किया। हम लोग डिस्कस करो, मैं आता हूं। अगर ये टॉप एंगल से अगर लेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। हाय मोना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ कहो ना। सबके लिए प्यार क्या होता है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारा प्यार बिना देखे ही खत्म हो जाएगा। दिल में पैदा हुए प्यार को पाने के लिए किस्मत भी होनी चाहिए ना, जो कि मेरी है ही नहीं। आर्या तुम बुरा मत मानो, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती, मैं खुद को ही अपने हाथों धोखा दे रही हूँ। तुम्हारे साथ जिंदगी जीना मेरी किस्मत में नहीं है। दोबारा एक जन्म होगा तो मैं तुम्हारी मोनालिसा बनकर तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। आर्या मोना क्या हुआ तुम्हें? प्लीज आर्या मुझे भूल जाओ। प्लीज मोना तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ मैं? तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो प्लीज। मेरी जान जब तक रहेगी तब तक मेरा दिल आर्या ही कहेगा। आई लव यू आर्या, आई मिस यू इन दिस लाइफ। मैं तुम्हारी अनामिका। प्लीज मोना तुम्हें मेरी कसम रोना नहीं, फोन कट मत करना प्लीज। मोना क्या हुआ आर्या? मेरी आर्या मुझे छोड़ के चली गई यार, मैं उसे बेपनाह प्यार करता हूँ, लेकिन इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी वो मुझसे दूर चली जा रही है यार।
सुनो, वो जानबूझकर तुम्हारा पागल बना रही है। मैंने कहा था ना, लड़कियां ऐसा ही करती हैं। अब देख तू उसे छोड़ना नहीं। तुम गलत बोल रहे हो यार, मेरी मोना सब लड़कियों की तरह नहीं है, वो मेरी जिंदगी में समथिंग स्पेशल है और उसके प्यार में मैं दीवाना हो गया हूँ। मेरा दिल पागल हो गया है रे, मेरा दिल पागल हो गया। अरे अपने आप को संभाल यार। अरे यार तू इतना सोच क्यों रहा है, लड़कियां सब एक ही जैसी होती हैं। बेहतर है कि तू भूल जा। हाय आर्या। क्या भूमि, तुम लगेज सब पैक करके कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन वो मैं, तुम वैसे ही इतने परेशान थे आजकल, तुम्हें मैंने कितना फोन किया पर फोन ही नहीं लगा। आर्या मैं गाँव जा रही हूँ। इस हालत में तुम ऐसे ही अकेले गाँव जा रही हो? आओ तो मैं बाइक पे ड्रॉप कर देता हूँ। तुम क्यों तकलीफ करते हो आर्या, बेकार में तुम आजकल वैसे ही टेंशन में हो। अरे कोई बात नहीं है, इसको अपने साथ ले जाओ, इसका मन भी हल्का हो जाएगा। अरे नहीं, परेशान मत होइए। कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, बैठो, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं आर्या, एक लड़का लड़की साथ चले तो लोग घूर घूर के देखते हैं और मेरी ये हालत देखकर मेरे घर वाले दुखी होंगे। अगर तुम मेरे साथ आए तो तुम्हें भी दुख होगा, तुम पहले से ही बहुत दुखी हो, मैं तुम्हें और दुखी होते हुए
कभी नहीं देखना चाहती आर्या, कभी नहीं चाहती। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम संभल के जाना। तुम भी ध्यान से जाना आर्या, जो हुआ उसे भूलकर नई जिंदगी जीना। मेरी कोई बात अगर बुरी लगी हो तुम्हें तो अपना समझकर मुझे माफ कर देना। तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका एक दिन जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट। बाय। हाँ बोलो यार। हेलो आर्या, तुम कहाँ हो अभी? मैं हूँ कहीं पर। ए, तू अभी भी उसकी चिंता कर रहा है? अरे भाई उसे भूल जा। भूल गया हूँ यार, सब कुछ भूल गया हूँ। प्यार व्यार के चक्कर में मैं बिल्कुल ही पागल हो गया हूँ, पागल। अभी तो कम से कम अपनी माँ की सारी इच्छाएं मैं पूरी कर सकूँ। सुनो आर्या, प्रोड्यूसर कॉल कर रहे थे, उसे तुरंत उससे मिलना है, तू वहाँ से जल्दी निकल। ठीक है यार, मैं जल्दी निकलता हूँ। दीदी का गाना हम एक बार सुनते हैं। हाँ मुझे भी सुनना है। मेरी वफा पहचान है मेरी, तू है मेरा मैं हो गई तेरी, मेरी वफा पहचान है मेरी, तू है मेरा मेरी खुशी की, तू ही दुआ जिंदगी की, तू ही वजह मेरी खुशी की, तू ही दुआ जिंदगी की, मेरी वफा पहचान है मेरी। ये आवाज किसकी है? क्यों पूछ रहे हो तुम? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। ये गाना बड़ा प्यारा है और उनसे मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। ये गाना मेरी दीदी ने गाया है। अच्छा दीदी, वो कहाँ मिल सकती है? दीदी वहाँ बैठी है। ये सब छोड़ो, ये बताओ मोना कहाँ पे? क्या तुम्हारी मोना यहाँ है? कहाँ है वो? चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। आर्या कहाँ ले जा रहे हो मुझे? सुनो, तुम्हारी दीदी कहाँ है? ए, तुम पागल हो क्या? ए, नहीं, वो है मेरी दीदी। आर्या
मैं ये ट्यून बहुत पसंद करती हूँ आर्या। तुम मिलना चाहते थे ना अपनी प्रेमिका से, तो लो आज मिल लो तुम। मैं मरने वाली हूँ अरिया, तुम्हारे साथ जीवन जीना मेरी किस्मत में नहीं है। आज तुम मिले हो मुझे और आज ही तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ मैं। इतना ही साथ था हमारा, मैं बहुत बदनसीब हूँ आर्या। मेरी किस्मत में तुम्हारा सच्चा प्यार मोहब्बत है ही नहीं आर्या। मैं मर रही हूँ आर्या, मैं मर रही हूँ। लेकिन तुमसे ये वादा है, अगले जन्म में जरूर मिलूंगी तुम्हें। प्यार का मतलब जितना प्यार तुम मुझसे करती हो उससे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ मोना, और तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल जी नहीं पाऊंगा। मरते दम तक प्यार करूंगा मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ मैं मोना। आई लव यू मोना। नहीं आर्या, मेरी जिंदगी तो खत्म हो रही है, तुम अपनी जिंदगी क्यों खत्म करना चाहते हो? मेरे बाद किसी और से शादी कर लेना। प्लीज मोना, ऐसी बात मत करो। कोई बात नहीं आर्या, अगर मैं तुम्हारी बाहों में मर जाऊं तो सबसे खुश नसीब होंगी। अब मैं चैन से मर सकती हूँ आर्या। नहीं मोना, मैं तुम्हें कभी दूर जाने नहीं दूंगा। मैं और तुम जिंदगी एक साथ जिएंगे मोना। तुम्हें एक साल तो क्या, एक मिनट के लिए भी दूर नहीं जाने दूंगा अपने से। इस वक्त ही तो पता चला कि तुम मेरी परी हो, तुम्हें मेरी मोना हो। आर्या, I love you. Mona, 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 उठो Mona, Mona, please Mona, Mona, Mona. देखना बेटा, तुम्हारी मोनालिसा वापस आएगी। वो एक दिन जरूर आएगी। आर्या, दीदी मोना, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो आर्या? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने कहा था ना तुमसे। तुम्हारी मोना कितनी प्यारी है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रखे। हमेशा खुश रहो बेटा।